डॉक्टर अम्बेडकर कहे थे कि मेरे ऊपर फूल माला चढ़ाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, मेरा स्टैचू बना करके उसको रोज अगरबत्ती या धूप जला करके मेरे पूजा करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण कैसे होगा? तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं तो वो मूर्ति बना दो और अगरबत्ती दिखा दो आप फूल चढ़ा दो उनके स्टैचू मूर्ति पर, हो गया तुम्हारा काम। और फिर जाओ गोबर पूजते रहो, पैर धो के पीते रहो, और ये मंदिरों में जा करके देवी दुर्गा मान करके बैठे हो, इस दिमाग से इस मानसिकता को निकाल करके कूड़ा के साथ फेंक डालो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आजादी के समय डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म के पहले जिन मंदिरों में तुम्हें जाने से विरोध किया गया, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें रोका गया, खराउन खरपा पहनने पर रोका गया, तुम्हें ऊंच आसन पर बैठने के लिए रोका गया हो, तो अंग्रेज का खैरियत हुआ कि अंग्रेज आकर के और वो आजादी के टाइम में एक मैनिफेस्टो बनाने के देश कैसे चलेगी, एक संविधान का वो एथी किया, प्रस्ताव रखा, जिस पर संविधान में संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, बराबरी का नियम जिस पुस्तक में है, जिसके द्वारा सरकार चल रही है, समाज चल रही है, वही डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वानों के द्वारा वो रची गई कि इसी पैटर्न पर ये देश की नागरिक और देश की सरकार चलेगी। और उस पैटर्न को डैमेज करने के लिए आज इस देश की सरकार, इस देश की व्यवस्था लगी है। जब समानता भाईचारा वाला बात खत्म हो जाएगी तो फिर विषमता वाली बात आएगी, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत ये व्यवस्था आ जाएगी। तो जो देश में भीख लेने वाला हो है वो ऊंच, अब भीख देने वाला वही कोयरी कुर्मी कानू तेली नीच, इसी व्यवस्था के आप गुलाम हैं, समझ रहे हैं बच्ची? अभी तक जौन व्यवस्था, जौन व्यक्ति, जौन समाज के पुरोहित हमसे भीख भी ले रहा है और कह रहा है कि रे कानून बारन गुआर नुबारन कोयरी नुबारन। अरे भीख लेने वाला दुनिया में नीच होता है, भीख देने वाला ऊंच होता है, लेकिन यहाँ उल्टी नदी बहा दी गई है कि भीख लेने वाला ऊंच और भीख देने वाला नीच। इस व्यवस्था को नजरअंदाज कर दो, छोड़ दो, वैसे व्यवस्था पर थूक फेंक दो। मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जिस व्यवस्था में समानता की बात हो, उठने में बैठने में खाने में पीने में, जिसमें समता हो भाईचारा हो, वही विचार दुनिया में सफल होता है। बुद्ध ने कहा कि सत्य झूठ के मार्ग पर चल करके सफल, झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना ही कहीं बेहतर है। अगर झूठ पर हम चल रहे हैं और हम सफलता हासिल कर रहे हैं और सत्य के मार्ग पर हार जा रहे हैं तो हार जाना बेटर है, क्योंकि झूठ सत्य का वकालत मैं किया था, सत्य पर चला था। वही व्यवस्था में आज सरकार चल रही है, सेंटिमेंट पैदा कर रही है सरकार और कर रही है, सब संविधान का हम रक्षा करने आए हैं, इसको छोड़ना होगा। देश में विषमता का पूरा पाठशाला चला हुआ, पूरा देश में मीडिया से लेकर के सारे व्यवस्थाएं उन्हीं के हाथ में पड़ गया है, जो हमारे लोग जातीय आधार, जातीय सेंटिमेंट में ऊब करके हमारे लोग उनको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारे जात के बारे में करा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और टोटल बैकवर्डों दलितों के विरुद्ध में, देश के संविधान के विरुद्ध में वो आज कार्ड चल रहा है।